हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ एम और ये जो है क्लास नाइन के लिए हैं और चैप्टर टू जो इज मैटर प्योर अराउंड अस जो चैप्टर का नेम है इससे रिलेटेड कुछ एम करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और सैंड को कैसे सेपरेट करेंगे और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं सेपरेशन के प्रोसेस है कॉन्डेंसेसन सब्लिमेशन सेंटिफ्योगेशन एंड इवेपोरेशन और हमको याद रखना है तीन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सब्लिमेट जो हम लोगों को क्लास नाइन में पढ़ना है एक है अमोनियम क्लोराइड एक हो गया कैम्फर दूसरा आयोडीन ये सारे जो है सब्लिमेट हो जाते हैं मीन्स जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं ठीक है तो इसमें जो है प्रोसेस जो होगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो गया सब्लिमेशन नेक्स्ट क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है हमको पता है क्लाउड भी जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्म है और यहाँ पे हमको पता है क्लाउड कैसे बनता है गैस में लिक्विड या फिर जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिक्विड डिस्पर्स इन ए गैस बाकी ऑप्शन सॉलिड है तो जिसमें सॉलिड प्रेजेंट है वो ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग है तो ए बी और डी ऑप्शन ऐसे ही हम लोग निकाल देंगे ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ वेन रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू ए सॉल्यूशन एंड इट इज़ नॉट विजिबल देन द सॉल्यूशन है बोल रहा है अगर रे ऑफ लाइट को पास करवा रहे हैं किसी सॉल्यूशन से तो वो विजिबल नहीं है मीन्स ये टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और हमको पता है कि जो टिंडल इफेक्ट्स जो होते हैं वो कौन से सॉल्यूशन दिखाते हैं सस्पेंशन या कोलाइडल या ट्रू तो यहाँ पे हमको ये देखना है ऑप्शन में जो ऐसे ऑप्शन जिसमें ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा रहा है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है पार्टिकल्स स्मॉलर देन वन नैनोमीटर मीन्स ये ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज़ है ठीक है तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा बाकी ऑप्शन तो रॉन्ग ही होंगे क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर जो सी ऑप्शन दिया हुआ है ये साइज के भी जो सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट्स दिखाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फोर ए नन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ये एक एग्जाम्पल पूछ रहा है नन मेटल का जो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और ऑक्सीजन ये सारे नन मेटल के एग्जाम्पल हैं लेकिन जो लिक्विड के स्टेट में प्रजेंट होगा रूम टेम्परेचर पे तो यहाँ जो है ब्रोनिन ब्रोमीन जो है वो लिक्विड के फॉर्म में प्रजेंट होता है अगर यही क्वेश्चन मेटल के लिए होता तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होता मर्क्यूरी क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ ए केमिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है एक रिएक्शन जिसमें एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो और ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है तो यहाँ सारे ऑप्शन जो है एंड कटिंग ऑफ ट्रीज ये सारे जो है फिजिकल चेंज में आते हैं और ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग है मीनस यहाँ पे ईटिंग ऑफ कॉपर एंड सल्फर ना होकर के होगा मिक्सिंग ऑफ कॉपर एंड सल्फर तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर डी है बाकी जो है वो फिजिकल चेंज है और ऑप्शन डी जो है वो केमिकल चेंज है थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और एम डिस्कस करेंगे थैंक यू